बात आपने कही कि ये अभी फिलहाल ये कागजों पर तो है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये अचानक से ही अग्रेसिव हालात हो जाएंगे। फिलहाल विजिलेंस वाली सिचुएशन है। एक बड़ी खबर है, उसके बाद में हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इटली के डिफेंस मिनिस्टर गुइडो क्रोसेटो की चेतावनी सामने आई है, यूक्रेन से हारने पर एटमी हमला कर सकते हैं पुतिन। मॉस्को ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैयारी कर ली है। यूक्रेन वॉर की शुरुआत से ही न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ी हुई है। यूक्रेन और पश्चिमी देश पुतिन के निशाने पर हैं। तो ये एक तरह से इटली ने चेताया है, इटली ने एक तरह से वार्निंग के सिचुएशन पे रख दिया है, इस पोजीशन पर रख दिया है कि यूक्रेन से अगर पुतिन हारते हैं और पश्चिमी देश और यूक्रेन लगातार निशाने पर हैं पुतिन के, तो अगर पुतिन हारेंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल होगा और वो फिर और ज़्यादा विनाशकारी होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के टेंशन फ्रंट चीन ताइवान से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको बताएंगे, लेकिन एसपीपी सिंह साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। ये वॉर फ्रंट की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए हर मुल्क ये इस वक्त कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से बातचीत के जरिए या संवाद के जरिए हल निकले, वो नहीं हो रहा और पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं, ज़ेलेंस्की अपनी शर्तों पर हैं। इटली ने कह दिया है कि अगर पुतिन हारे तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपने 6 वॉर फ्रंट बताए हैं, इसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर है, अमेरिका। हर जगह उसका हाथ है, उसकी साजिश है, और उससे बचना है तो अमेरिका से बचना है इस दुनिया ने। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जो कि पुटिन, आपका सवाल था कि पुटिन की अगर हार होती है तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। बिल्कुल, ये एक ऑप्शन थिंक टैंक्स ने भी वर्कआउट किया है कि काफी हद में ये लाइकलीहुड है। 1 किलोटन न्यूक्लियर वेपन आर्टिलरी सिस्टम से भी इस्तेमाल करे तो एक तरह का न्यूक्लियर वॉर पैदा हो जाता है, पर उसमें क्या है कि यूक्रेन के ऊपर और भी नहीं, मतलब वो ट्रिगर दबा सकते हैं कि नहीं, क्या सिर्फ धमकी तक रहेगा? देखो, अगर हारेगा पुटिन तो दुनिया के लिए इसकी डिस्ट्रक्शन बढ़ेगी, और अमेरिका और नेटो पावर्स के इंटरेस्ट में है कि रशिया को उस हद मत ड्राइव करें, और ये विश्व को बचाने के लिए अमेरिका को पीस के लिए रोल बढ़ाना चाहिए। इसलिए जब ज़ेलेंस्की गया ना अमेरिका में, अभी उसने, बाइडन ने उसको हिंट दी है कि जर्मनी, फ्रांस और मैं इटली को शामिल करता हूँ, कि यूरोपियन यूनियन और नेटो के अंदर टूट पड़ सकती है, तीनों देश लड़ाई के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, मैं समझ गई। एक जल्दी से एक इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। पुतिन का प्लान्स विध्वंसक, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। 7 दिन में 2 बार पुतिन लुकाशेंको मिले हैं। क्यों विध्वंसक हम कह रहे हैं, इसकी तरफ एक इशारा मिल रहा है। यूक्रेन में तबाही की क्या रणनीति तैयार हो चुकी है? 24 फरवरी तक कीव पर कब्जे का प्लान है।